सर पे बढ़ाते कदम, तेरे मंदिर में आ जाए हम, तेरे दर्शन के आतुर है हम, स्तुति करते प्रभु हरदम। चमचमाती है घुंघरू की धुन, वर्णन करते तेरा हर सुगुन, नाचे गाते उठाते कदम, पाने हम सब तेरा दर्शन। तेरे दर पे बढ़ाते कदम, तेरे मंदिर में आ जाए हम, तेरे दर्शन के आतुर है हम, स्तुति करते प्रभु हरदम। आप सभी लोगों को जय यीशु, जय यीशु। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्राइस्ट की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबको प्राप्त हो। आत्मा के साथ आज मंगलवार हम विशेष रूप से हमारी तमाम प्रार्थनाओं को और विशेष रूप से हमारी इस मीडिया सेविकाई को प्रभु के चरणों में समर्पित करते हैं। जन जनों तक प्रभु का संदेश पहुंचाने के लिए प्रभु हमें सशक्त रूप से इस्तेमाल करें, हम प्रार्थना करते हैं। साथ ही साथ जो हमारे द्वारा प्रभु का वचन सुन रहे हैं उनके जीवन में प्रभु अपने हस्तक्षेप करे और उनके जीवन में कार्य करे। इन्हीं प्रार्थनाओं के साथ में आइए इस पौत्र में सब बलिदान हम सम्मिल कर चढ़ाए। हम अपने पापों को स्वीकार करें ताकि हम पवित्र बलि चढ़ाने की योग्य बन जाए। हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से अपने कसूर से अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुमारी धन्य मरियम से सब स्वर्गदूतों संतों और आप लोगों के साथ हे भाई और बहनों विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करें और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान और दयालु ईश्वर, तेरे ही प्रेरणा से तेरे भक्त जन तेरी प्रशंसा करते और तेरी सेवा में लगे रहते, हमारी प्रार्थना सुन और ऐसी कृपा कर कि हमारे कदम अनंत सुख के मार्ग पर निरंतर बढ़ते जाए। हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु क्राइस्ट के द्वारा जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुग जीते और राज्य करते हैं। प्रभु का आत्मा आपके जीवन तथा आपके हृदय पर हो ताकि आप योग रीति से प्रभु की वाणी सुना सके। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। पहला पाठ फिलिपियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 2 पद संख्या 5-11। उन्होंने अपने को दीनहीन बना लिया इसलिए ईश्वर ने उन्हें महान बना दिया। आप लोग अपने मनोभावों को यीशु मसीह के मनोभावों के अनुसार बना लें। यद्यपि वह ईश्वर थे और उनका पूरा अधिकार था कि वह ईश्वर की बराबरी करे, फिर भी उन्होंने दास का रूप धारण कर तथा मनुष्यों के समान बनकर अपने को दीनहीन बना लिया और मनुष्य का रूप धारण करने के बाद वह मरण तक, हाँ क्रूस मरण तक आज्ञाकारी बन गए और इस प्रकार उन्होंने अपने को और भी दीन बना लिया। इसलिए ईश्वर ने
उन्हें महान बना दिया और उनको वह नाम प्रदान किया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, जिससे यीशु का नाम सुनकर आकाश, पृथ्वी तथा पाताल के सब निवासी घुटने टेके और पिता की महिमा के लिए सब लोग यह स्वीकार करें कि यीशु मसीह प्रभु है। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। मैं महासभा में तेरा गुणगान करूंगा। मैं महासभा में तेरा गुणगान करूंगा। मैं प्रभु भक्तों के सामने अपनी मन्नतें पूरी करूंगा। जो दरिद्र है वे खाकर तृप्त हो जाएंगे। जो प्रभु की खोज में लगे रहते हैं वे उसकी स्तुति करेंगे। उनका हृदय सदा ही आनंदित रहेगा। अनुवाक्य। मैं महासभा में तेरा गुणगान करूंगा। समस्त पृथ्वी के निवासी प्रभु का स्मरण करेंगे और उसके पास लौट आएंगे। सभी राष्ट्र उसे दंडवत करेंगे, क्योंकि प्रभु ही राजा तथा राष्ट्रों का अधिपति है। पृथ्वी के सभी शासक उसके सामने नतमस्तक होंगे। अनुवाक्य। मैं महासभा में तेरा गुणगान करूंगा। मेरा वंश उसकी सेवा करता रहेगा। वह बाद में पीढ़ियों के लिए प्रभु के कार्यों का बखान करेंगे और आने वाले राष्ट्रों के लिए प्रभु की दया घोषित करेंगे। अनुवाक्य। मैं महासभा में तेरा गुणगान करूंगा। जय घोष, हालेलुया। प्रभु कहते हैं, थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो। और आपकी आत्मा के साथ। सब लोग इसके अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा। अध्याय 14 पद संख्या 15-24 तक। साथ भोजन करने वालों में से किसी ने यीशु से कहा, धन्य है वह जो ईश्वर के राज्य में भोजन करेगा। यीशु ने उत्तर दिया, किसी मनुष्य ने एक बड़े भोज का आयोजन किया और बहुत से लोगों को निमंत्रण दिया। भोजन के समय उनसे अपने सेवक द्वारा निमंत्रित लोगों को यह कहला भेजा कि आइए, क्योंकि सब कुछ तैयार है। लेकिन वे सब के सब बहाना करने लगे। पहले ने कहा, मैंने खेत मोल लिया है और मुझे उसे देखने जाना है। तुमसे मेरा निवेदन है कि मेरी ओर से क्षमा मांग लेना। दूसरे ने कहा, मैंने 5 जोड़े बैल खरीदे हैं और उन्हें परखने जा रहा हूं। तुमसे मेरा निवेदन है कि मेरी और से क्षमा मांग लेना। और एक ने कहा, मैंने विवाह किया है इसलिए मैं नहीं आ सकता। सेवक ने लौटकर ये सब स्वामी को बता दिया। तब घर के स्वामी ने क्रोध होकर अपने सेवक से कहा, शीघ्र ही नगर के बाजारों और गलियों में जाकर कंगालों, लूलों, अंधों और लंगड़ों को यहां बुला लिया हो। जब सेवक ने कहा, स्वामी आपकी आज्ञा का पालन किया गया है तब भी जगह है, तो स्वामी ने नौकर से कहा, सड़कों पर और बाड़ों के आसपास जाकर लोगों को भीतर आने के लिए बाध्य करो, जिससे मेरा घर भर जाए। क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं, उन निमंत्रित लोगों में से कोई भी मेरे भोजन का स्वाद नहीं ले पाएगा। ये प्रभु का पुण्य सुसमाचार है। हे ख्रिस्त तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में प्यारी भाई और बहनों, फिलिपियों के नाम लिखित पत्र से इन दिनों में हम पहला पाठ सुन रहे हैं। और आज के पहले पाठ में एक प्रकार
हमारे रक्षा कार्य को उसका पूरा सार समेट कर हमारे सामने रख दिया गया है कि प्रभु ने हाँ क्रूस के मरण तक अपने आप को आज्ञाकारी बना दिया और इसी कारण प्रभु ने उसे महान बना दिया और उनको वह नाम प्रदान किया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, जिससे यीशु का नाम सुनकर आकाश पृथ्वी तथा पाताल के सब निवासी घुटने टेके और पिता की महिमा के लिए सब लोग ये स्वीकार करे कि यीशु ही प्रभु है। प्यारे भाई और बहनों, एक प्रकार से हमारे विश्वास का ये रहस्य फिलिपियों के द्वारा लिखित इस पत्र में संत पौलुस दोहराते हैं। आज हमारे मनन का विषय सुसमाचार से है। संत लूकस के सुसमाचार से इन दिनों में हम पाठ सुन रहे हैं और आज बड़े अच्छे एक भोज के बारे में हम सुनते हैं। भोज विशेष रूप से प्रभु के कहानियों में प्रमुख स्थान लेता है और बड़ी एक रहस्य हमारे सामने वो रखते हैं कि कभी कभी किसी किसी को सुनने से, विशेष रूप से जो प्रचारक होते हैं, ऐसा लगता है कि सिर्फ उन्हीं के बारे में सुनने से, उनके कलीसिया का भाग होने से ही हमें मुक्ति मिल सकती है। अगर किसी को भी इस प्रकार की अवधारणा हो, उन तमाम अवधारणाओं को प्रभु आज हमारे सामने नष्ट कर देते हैं जब प्रभु हमारे सामने बहुत ही एक सुंदर कहानी पेश करते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि भोज का निमंत्रण दिए हुए कुछ लोग जरूर थे, लेकिन वो आना मना करने के कारण प्रभु सबको अपने भोज में आमंत्रित करते हैं। गॉड्स इनविटेशन इज फॉर ऑल। प्रभु का जो इनविटेशन है वो सभी के लिए है। इसमें ऐसा कोई भी नहीं है कि एक्सक्लूसिवली इसी के लिए प्रभु का इनविटेशन है, उनकी मुक्ति है, ऐसा नहीं है। प्रभु की मुक्ति जो है सबों के लिए है, सबों के लिए खुला है। जब कोई कोई कहते हैं कि सिर्फ हमारी कलीसिया में बपतिस्मा लेने से ही आप स्वर्ग में जा सकेंगे, तो शायद वो ईश्वर की इच्छा के अनुसार का टीचिंग जरूर नहीं प्रदान करते हैं। गॉड्स इनविटेशन इज फॉर ऑल। उसकी कोई सीमा नहीं है। सीमा होते तो प्रभु ये कहानी हमारे सामने ना रखते और प्रभु की मुक्ति जो इतनी सीमित नहीं होती। प्यारे भाई और बहनों, प्रभु की मुक्ति है वो सब के लिए है, सब समय के व्यक्तियों के लिए है। आज का ही नहीं, कल का ही नहीं, परसों का ही नहीं, आने वाले समय का ही नहीं, बीत गए समय का भी है, सब के लिए है। God's invitation is for all और beyond any boundaries, किसी भी प्रकार की कोई भी सीमा उसके लिए नहीं है। उसके बावजूद भी हम देखते हैं कि अगर प्रभु की जो रक्षा है, उनकी मुक्ति जो है सबके लिए है, फिर भी वहां पर सब लोग नहीं पहुंच पाते हैं। मुख्यतः दो कारण है। उनमें वे लोग नहीं पहुंच पाते हैं जो उसके लिए अपने आप को तैयार नहीं करते हैं। ओपननेस एंड प्रिपेयर्डनेस, ये दोनों बहुत जरूरी है प्रभु के राज में प्रवेश करने के लिए। आज के सुसमाचार के पहले भाग में हमने सुना कि जो इनवाइट किया गया था, जिन्हें निमंत्रण दिया गया था, उनमें से कोई भी प्रभु के उस भोज पे, स्वामी के उस भोज पे नहीं पहुंच पाते हैं। ओपननेस नहीं है प्रभु के राज्य के लिए, प्रभु की मुक्ति के लिए। जब हम अपने आप को बंद कर देते हैं तो वहां पर प्रभु के मुक्ति पाना संभव है। ओपननेस होना अति आवश्यक है। और उसी प्रकार जब इसी कहानी को हम आगे पढ़ते हैं या अन्य सुसमाचारों में पढ़ते हैं, तो उसके बाद भी कुछ और हमें पढ़ने को मिलता है। स्वामी सभी अतिथियों को मिलने आते हैं तो वहां पर ऐसा कोई पाया जाता है जो विशेष रूप से विवाह वस्त्र नहीं पहना हुआ था, और उस व्यक्ति को भी उस भोजनशाला से बाहर फेंक दिया जाता है। पहले मैंने बोला ओपननेस,
दूसरी बात होती है प्रिपेयर्डनेस, हमें उसके लिए तैयारी भी करनी पड़ती है, हमें अपने आप को विशेष रूप से प्रभु के राज्य के लिए, प्रभु के भोज के लिए अपने आप को खुला रखना जरूरी है, ओपननेस जरूरी है, और उसी प्रकार उसकी तैयारी भी जरूरी है, प्रिपेयरनेस। उस व्यक्ति को क्यों बाहर फेंका गया जब उन्हें ऑलरेडी सिलेक्ट किया गया था और उस अतिथियों में वो भी शामिल था, लेकिन इसके बावजूद भी जब स्वामी आते हैं और उनके पास विवाह वस्त्र नहीं पाया जाता है, उस व्यक्ति को भी उस भोजन से बाहर निकाल देते हैं। प्रिपेयर्डनेस, तैयारी नहीं है। प्यारे भाई और बहनों, यही आज के सुसमाचार का सार है कि अगर प्रभु के राज्य में कभी हमें मौका मिलना हो उसमें शामिल होने के लिए, तो उसके लिए सर्वप्रथम हमें उसके लिए खुला रखना जरूरी है, ओपननेस जरूरी है, और उसी प्रकार उसकी तैयारी भी अति जरूरी है, प्रिपेयर्डनेस एंड ओपननेस। आइए हम सब प्रभु के उस भोज के लिए शामिल होने के लिए अपने आप को तैयार करें। और बहनों प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर हमारे बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान स्वीकार करें। हम प्रार्थना करें, हे प्रभु ये बलिदान तेरे लिए निर्मल भेंट और हम सबके लिए तेरी दया का स्रोत बन जाए। ये वर दे हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाए, हम प्रभु में मन लगाए हुए, हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दे। यह उचित और न्याय संगत है। प्रभु पवित्र पिता सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, ये बात स्वामी उचित और न्याय संगत, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा सर्वत्र तुझे धन्यवाद दे। तुझे हमारी प्रशंसा की कोई आवश्यकता नहीं, ये तेरा वरदान ही है कि हम तुझे अपनी हृदय के दा प्रकट करें। हमारे सुदीगान तेरी महिमा की वृद्धि नहीं करते, बल्कि हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा हमारी मुक्ति में सहायक सिद्ध होते हैं। स्वर्गदूतों की मंडली के स्वर में लाकर
आनंद की उमंग में हम तेरा सुदीगा एक स्वर से गाते हैं। प्रभु तुवासो में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं तो इन्हें पहाड़ों को अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि हमारे प्रभु यीशु क्राइस्ट का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब इस वेचा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली और तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसी लोरिस में सिखाओ, क्योंकि ये मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो इसमें से पियो, क्योंकि ये मेरा रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तो मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने समक्ष उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता की सूत्र में बंधे रहे। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष थॉमस, सेवानिवृत्त धर्माध्यक्ष शाको और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारी उन बंधुओं की भी सुधी ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं,
उन्हें सभी व्रतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब दिया दृष्टि डाल की अंबियरन जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुवारी मरियम उनके वर धन्य यूसुफ धन्य प्रेरितों और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्व सेवक से भी कायम बने रहे तेरे स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु क्राइस्ट के द्वारा प्रभु क्राइस्ट के द्वारा इने के साथ हो रिनी में हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मा युगान युग तेरा ही हम सब मिलकर पिता यीशु से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हम सबों को सिखलाए हैं हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है तेरा नाम पवित्र माना जाए तेरा राज्य आए तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं और हमें परीक्षण डाल परंतु बुराई से बचा हे प्रभु हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्राइस्ट फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे क्योंकि तेरा राज्य तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्राइस्ट ने अपने प्रेरितों से कहा है मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ तो हमारे पापों पर नहीं अपने कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर त्युगानिक जीता और राज्य करता है आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ परस्पर शांति अभिवादन करे हे ईश्वर के मेमने तू संसार के पाप हर लेता है हम पर दया कर हे ईश्वर के मेमने तू संसार के पाप हर लेता है हम पर दया कर हे ईश्वर के मेमने तू संसार के पाप हर लेता है हमें शांति प्रदान कर देखिए ईश्वर का मेमना इन्हें देखिए जो संसार के पाप लेता है धन्य है जो प्रभु के नाम पर बुलाए जाते हैं हे प्रभु मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे हाय किंतु शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारी हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूक्रिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं हे प्रभु मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं क्योंकि हे प्रभु मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ हे प्रभु आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए हे यीशु
मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हमारे दिल में पधारे प्रभु को हम धन्यवाद दे, प्रभु के वचनों के लिए भी धन्यवाद दे। प्रभु आज हम विशेष रूप से आपके राज्य से दूर लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु तेरी इच्छा है कि सब लोग प्रभु मुक्ति पाए, हम भी प्रभु इस पवित्र यूकरिस्ट की योग्यता द्वारा प्रभु आपके राज्य से दूर लोगों के लिए और उनकी आत्माओं के लिए प्रभु आपसे करबंद प्रार्थना करते हैं। प्रभु सभी को मुक्ति का वरदान प्रदान कर। हम प्रार्थना करें, हे प्रभु तेरी कृपा का प्रभाव हम में बढ़ता जाए, ताकि तेरे संस्कारों से बल पाकर हम स्वर्गिक सुख के योग्य बनते जाएं। जिनकी प्रतिज्ञा ये संस्कार करते हैं, ये वर दे हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो, आपकी आत्मा के साथ आशीर्वाद ग्रहण कर। सर्वशक्तिमान पिता पुत्र और पावन आत्मा, आमीन। यज्ञ हुआ संपन्न, ईश्वर को जैसे ये सुनम रहे।